बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जो दुनिया की पूरी इकोनॉमी बदल रही है। रुपए, डॉलर, पाउंड की जगह आजकल इंसान बिटकॉइन रखना बेहतर मानता है। ये एक ऐसी करेंसी है जो कभी हैक नहीं हो सकती, और सोना, जमीन, म्यूचुअल फंड से ज्यादा लोग आजकल बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने 2010 में मात्र 5000 रुपए बिटकॉइन में लगाए होते तो आज आप 450 करोड़ रुपए के मालिक होते। और क्या आपको ये पता है कि बिटकॉइन के निर्माता कौन है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया। जानेंगे बिटकॉइन का इतिहास और समझेंगे कि आप भी बिटकॉइन से कैसे करोड़ों छाप सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। बिटकॉइन का निर्माण साल 2009 में हुआ। ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जो लेन देन करने का एक डिजिटल तरीका है। जैसे रुपए और डॉलर्स होते हैं, वैसे ही होता है BTC यानी बिटकॉइन। फाइनेंस इंसान का बनाया हुआ इन्वेंशन है, और हर इन्वेंशन की तरह इसमें भी समय के साथ बदलाव आता है। शुरुआत में अनाज और लकड़ी जैसी चीजें व्यापार करने में इस्तेमाल होती थी। उसके बाद आई कीमती धातुएं, और फिर व्यापार सोना और चांदी के आदान प्रदान से चलने लगा। इन सभी के बाद धातुओं की जगह पैसों का इस्तेमाल होने लगा। पैसे देश की सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते। चीजों के दाम अब पैसों से नपने लगे। बहुत सालों तक ये आदान प्रदान की प्रणाली को सबसे बढ़िया बताया गया। लेकिन आखिरी दशक से क्रिप्टो करेंसी नामक नई आदान प्रदान की प्रणाली भी सामने आने लगी। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कहा जाता है कि 4 लोगों के समूह ने बनाई है। ये लोग अपनी जान पहचान गुप्त रखना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने सतोशी नाकामोटो नाम से काम किया। बिटकॉइन के पीछे मूल विचारधारा ये है कि इसको कोई भी संस्था नहीं चलाती, और ना ही इसको कोई नियंत्रित करता है। किसी भी देश की सरकार का इस पर कोई हक नहीं है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल सिस्टम है। हालांकि ये बात भी है कि बिटकॉइन के पहले भी ऐसी कई क्रिप्टोकरेंसी का निर्माण हुआ था, जैसे कि निक जाबो की बिट गोल्ड और वी डे की बी मनी, लेकिन बिटकॉइन ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। 18 अगस्त 2008 को सतोशी नाकामोटो के नाम से bitcoin.org डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन हुआ, और वेबसाइट पर इसको एक ऐसा सिस्टम बताया गया जो भरोसे की जगह मैथमेटिक्स पर काम करता था। 2009 में पहला ओपन सोर्स बिटकॉइन क्लाइंट और इश्यूएंस बना, और सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की पहली बार माइनिंग की। बिटकॉइन माइनिंग वो क्रिया होती है जिसमें बिटकॉइन के आदान प्रदान वेरीफाई होते हैं, और इसके लिए बिटकॉइन में इनाम दिया जाता है। आप भी अपने कंप्यूटर पर बिटकॉइन माइनिंग करके पैसे कमा सकते हैं। उन शुरुआती दिनों में नाकामोटो ने करीबन 1 मिलियन बिटकॉइंस माइन कर लिए थे, जिनकी आज कीमत 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। माइनिंग करने के बाद नाकामोटो ने बिटकॉइन की कमान गेविन एंडरसन नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को दे दी, और नाकामोटो गायब हो गए। बिटकॉइन की कीमत शेयर मार्केट की तरह बढ़ती घटती रहती है, और शुरुआती दिनों में 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जा खरीदे गए थे, और आज 10,000 बिटकॉइंस की कीमत 600 करोड़ से भी अधिक है। बिटकॉइन चीजें खरीदने बेचने में बहुत उपयोगी है, क्योंकि बिटकॉइन इंटरनेशनली ट्रांसफर करने में समय काफी कम लगता है, और इसमें ना के बराबर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। ये काफी सिक्योर भी होता है और हैक नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज भी है, इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। बिटकॉइन अब $10,000 को पार कर चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन आपको अरबपति बना सकता है, और आप बिटकॉइन खरीदना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।